सुचर से स्टार्ट करते हैं। ये हमारे पास कोरोनरी सुचर है, ये सेगिटल है, ये लैम्बडाइड है, और ये हमारे पास जंक्शंस होते हैं इसके अपने। सर ने कहा है कि ब्रेग्मा, ये वर्टिक्स हाईएस्ट पॉइंट होता है, और ये हमारे पास ये भी जंक्शन है तो लैम्बडा कहते हैं। सही है। फिर बोन्स फ्रंटल, पैराइटल हो गए, टेम्पोरल हो गया, ऑक्सिपिटल हो गया। सही है। फिर ये हमारे पास सुपीरियर सिलियरी। अच्छा, फेस पे आने से पहले मैं मोड़ कुछ सर पे वाली बोन जो रहेगी नहीं, बस कवर हो गया जो सर ने बताया हम उतना करेंगे, फिर आप कोई भी मिस हो सकता है ना, फिर भी आगे सुप्रा सिलियरी नॉच, और ये ग्लैबुला प्रोटोरबेंस है। ये हमारे पास सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर, इंफीरियर ऑर्बिटल फिशर, और ये हमारे पास नेजल बोन है, और इसको बनाते हैं मुख्तलिफ बोन्स। ये हमारे पास फिनाइड है, लैक्मेरल बोन है, मैक्सिलरी बोन है, एथेमाइट फ्रंटल, फ्रंटेलिस मतलब। सही है। अच्छा मैम, ये ऑर्बिटल बोन्स आप थोड़ी तरतीब से अगर बता दें, हमेशा मिक्स हो जाती हैं। ये क्या है? ज़ाइगोमैटिक। ये तो पता लग रहा है ज़ाइगोमैटिक। ये मैक्सिला भी आ जाएगी, ये मैक्सिला वाली आ गई। उसके बाद ये कौन सी होगी? फिनाइड होगी। एथेमाइड नहीं, एथेमाइड ये नहीं है, सिर्फ फिनाइड है। हां सॉरी, स्फिनॉइड। अच्छा, स्फिनॉइड। उसके बाद ये ऊपर क्या होगा? ये फ्रंटेलिस का पार्ट होगा। ठीक है, ये जो है ये क्या होगा? लैक्रिमल टियर वाली। ठीक है, और उसके बाद ये जो पार्ट आ जाएगा ना, ये सारा उसका होगा एथेमाइड। ठीक है। अच्छा, ये सारी एथेमाइड है, ये स्फिनॉइड है, ये मैक्सिला, ये ज़ाइगोमैटिक बोन, और ऊपर फ्रंट है। मैम, ये हमारे पास नेजल बोन है, ये हमारे पास सर ने कहा था कि ये हमारे पास एथेमाइड बोन का बना रहा है, और आगे डिप्रेशन के बाद वूमर, डिप्रेशन वूमर, और ये वूमर आगे। ठीक है, ये हमारे पास नेजल क्रेस्ट है, इंटीरियर नेजल स्पाइन है, और ये हमारे पास कोनस है। ये अभी आपने इन्फीरियर कोनस का है उधर, मिडिल कोनस और सुपीरियर नहीं दिखता। ये और ये हमारे पास एलविला है, ये भी नीचे एलविला है, लिप्स वाली जगह होती है, और ये हमारे पास कुछ एलविलर प्रोसेस। ये हमारे पास सुप्रा ऑर्बिटल नॉच है, इन्फ्रा इन्फीरियर ऑर्बिटल फोरामेन है, इन्फ्रा ऑर्बिटल फोरामेन है। ये हमारे पास मेंटल नॉच है, ये हमारे पास मैंडिबुलर प्रोट्यूबेंस है, मेंटल प्रोट्यूबेंस हो गया, मैंडिबुलर प्रोट्यूबेंस। ये हमारे पास मैंडिबल के एंगल हो गया, ये हमारे पास रेमस हो गया मैंडिबल का, वो चार जॉइंट्स हमने ट्रायन। ये हमारे पास जॉइंट बनते हैं इधर जॉइंट्स का, मतलब टेम्पोरल हो गया, ये इधर फ्रंटेलिस हो गया, पैराइटल हो गया, ये हमारे पास एथेमाइट का हो गया, ये हमारे पास जॉइंट बनाते हैं, और ये फ्रैक्चर ट्रायन, और ये हमारे पास फ्रैक्चर साइट है। तो मैम, अगर कोई पॉइंट इसने मिस किया वो भी बता दें। हमें तो इतना ही पता है बस, हमें और नहीं आता। और वो देख रहे हैं यहां से भी अगर कोई पॉइंट में, ये एक पॉइंट था ये। हां ठीक है, ये क्या मैम? नेजियन। और ये सर ने कहा था कि ये इंटीरियर ग्लैबुला, नहीं नहीं, इंटीरियर फ्रंटेलिस सचर है, फ्रंटेलिस सचर, फ्रंटेलिस, क्योंकि वो आगे ज़्यादा डिटेल में भी आगे भी पढ़ेंगे। ठीक है, अच्छी बात। और ये चीज़ ज़रा बता दे, रिपीट कर। नेजियन जो पॉइंट होगा, जैसे ये ग्लैबुला था ना ऊपर, तो यहाँ पे जो नेजल बोन के ऊपर पॉइंट होगा ना, ये नेजियन। सही है। बस मैम आप बता दें अगर कोई एडिशन। मैम आज के एलोज में दो मिनट था, तो हमें सिर्फ सर ने यही बताया। मैम आज के एलोज में जो एक वर्ड था नॉर्मा फ्रंटेलिस, से क्या मुराद है? और जो अच्छा वर्टिकलस है और फ्रंटेलिस, अब इसमें कोई रह तो नहीं गया हमसे? कवर हो गया सर।